नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। भीम आर्मी चीफ रावण चंद्रशेखर आजाद ने अब पूरी तरह से राजनीति में उतर कर चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। जल्द ही वो अपनी पार्टी के नाम का ऐलान भी करने वाले हैं। अभी तक भीम आर्मी BSP पार्टी को राजनीतिक विकल्प के तौर पर समर्थन देती थी, लेकिन नागरिकता संशोधन बिल पर BSP पार्टी के रुख से आहत होकर चंद्रशेखर ने अपने खुद के राजनीतिक दल का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि वे आगामी दिल्ली विधानसभा में अपने उम्मीदवार उतारेंगे, इसके बाद यूपी में पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर की पार्टी अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं चंद्रशेखर के सहयोगी कुश ने द प्रिंट को बताया कि पार्टी के नाम का ऐलान कुछ दिनों के अंदर हो जाएगा। यूपी में ये पार्टी पहले पंचायत चुनाव में उतरेगी, इसके बाद 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। चंद्रशेखर खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर बाद में फैसला होगा। फिलहाल लखनऊ में पार्टी का जल्द ही कार्यालय खोला जाएगा, क्योंकि यूपी में भीम आर्मी की मजबूत पकड़ है। ऐसे में पार्टी का यूपी पर विशेष फोकस रहेगा। वही चंद्रशेखर ने ट्विटर पर इसका ऐलान करते हुए लिखा है कि मैं चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज को आज नए राजनीतिक विकल्प देने की घोषणा करता हूं और समाज के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले ईमानदार, संघर्षशील और मिशनरी युवाओं से अपील करता हूं कि आकर नेतृत्व संभाले। अब दौलत वाला नहीं, काम करने वाला नेता बनेगा। जय भीम। चंद्रशेखर का ये ऐलान नागरिकता संशोधन बिल पर BSP का रुख देखने के बाद आया। साथ ही उन्होंने लिखा है कि जब संसद में संविधान की हत्या हो रही थी, उस वक्त BSP के दो राज्यसभा सांसद संविधान बचाने की लड़ाई छोड़कर भाग गए और BJP को फायदा पहुंचाया। ऐसा करके उन्होंने बाबा साहब, माननीय काशी राम जी और पूरे बहुजन समाज के साथ छल किया है। इससे पहले भी गैर संवैधानिक आर्थिक आधार पर आरक्षण धारा 370 पर समर्थन देकर बहन मायावती जी ने BJP को फायदा पहुंचाया। ऐसा करके आपने बहुजन समाज के अभिन्न अंग मुस्लिम समाज को असुरक्षित महसूस करवाया और बहुजन राजनीति को कमजोर किया। चंद्रशेखर ने पार्टी के नाम के लिए सोशल मीडिया पर सुझाव भी मांगा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि चंद्रशेखर ने कैब और NRC का विरोध किया था और कहा था कि कैब और NRC देश के संविधान को खत्म करने की साजिश है। इस देश के बहुजन, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम यहाँ के मूल निवासी हैं। जो बाहर से आए हैं वो आर्यन हैं। उनका DNA टेस्ट हो और उन्हें पहले NRC के दायरे में लाया जाए। देश के बहुजन संविधान की सुरक्षा और देश के सबसे बड़े आंदोलन के लिए सब बहुजन समाज के लोग अपनी अपनी कमर कस लें। बहरहाल चंद्रशेखर के मुताबिक नई पार्टी में अम्बेडकर वादी युवाओं को आगे बढ़ने का मौका देंगे, युवाओं के नेतृत्व में विकसित करेंगे। बहुजन समाज के काफी नौजवान लंबे वक्त से जेल काट रहे हैं, वो समाज के सच्चे हितैषी हैं। चंद्रशेखर काशीराम का एक वोट एक नोट वाले फॉर्मूले पर पार्टी को खड़ा करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।